नमस्कार, मैं हूं गणेश आचार्य। आप देख रहे हैं INN24। प्लीज वॉच एंड एंजॉय। नमस्कार, INN24 के चुनावी महाजंगल में स्वागत है आपका। आज हम खड़े हैं पामगढ़ विधानसभा में। पामगढ़ विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी गोरेलाल बर्मन जी हमारे साथ हैं। उनसे चर्चा करते हैं क्या माहौल नजर आ रहा है और क्या अभी परिस्थितियां बन रही है। चुनाव को अब महज 2 दिन ही शेष रह गए हैं, देखना है कि क्या यहाँ की परिस्थितियां हैं। बर्मन जी, स्वागत है आपका। बताएंगे, आप कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और अभी अब चुनाव के लिए महज 2 दिन ही बच गए हैं और पल पल समीकरण बदलता है, क्योंकि पहले अभी विधायक वर्तमान में भाजपा के हैं, और अभी आपको क्या लग रहा है कि माहौल किस ओर आ रहा है, क्या स्थिति बन रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश और हमारा पामगढ़ विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन से निहायत त्रस्त है। यहाँ किसान परेशान है, नौजवान बेरोजगार परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे परेशान हैं, अधिकारी कर्मचारी परेशान हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार का पूरा माहौल भाजपा का देखा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से आम जनता मुक्ति चाहती है। अब 2 दिन बचे हैं चुनाव, हमने पूरे विधानसभा दौरा कर लिए, करीब 8 से 10 गांव बचे हैं जो हम पूरा कर लेंगे, और जहां जहां हम जा रहे हैं आम जनता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन जता रही है। ऐसी बात बताएं जो जनता आपको क्यों पसंद करे, विधायक जो अभी वर्तमान में है उनको क्यों पसंद ना करे? देखिए, सन 2008 में पहले बार मुझे चुनाव लड़ने का सौभाग्य मिला। 21,000 कुछ वोट मैंने प्राप्त किया और चुनाव हारने के बाद मैं यहाँ पर अपना निवास बना करके यहाँ लगातार 10 सालों से समाज सेवा और जन सेवा का कार्य कर रहा हूँ। लेकिन यहीं पे जो निर्वाचित विधायक भारतीय जनता पार्टी के अम्बेश झांगड़े जी चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र छोड़ के रायपुर निवास कर गए। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है विकास के 5 फार्मूले, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली और पानी। शिक्षा का हालत यह है कि बच्चे पढ़ने कम जाते हैं, भात खाने ज़्यादा जाते हैं। अस्पताल की बात करूँ तो चाहे पामगढ़ हो, राहौद हो, खरौद हो, नवागढ़ हो, श्रीनारायण हो, कहीं भी इस क्षेत्र में सर्पदंश और बिच्छू काटने की शिकायत ज़्यादा है। मरीज को लेके जाओ तो दवा है तो डॉक्टर नहीं, और डॉक्टर है तो दवा नहीं। अगर मर जाते हैं कहीं तो लाश को रखने की मजदूरी तक की व्यवस्था यह सरकार नहीं कर पाई, इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। सड़क की हालत आप देख रहे हैं। बिजली की बात करूँ तो कांग्रेस के शासनकाल में एकल बत्ती कनेक्शन फ्री दिया करते थे, आज ये सरकार 10,000, 15,000, 20,000 की बिजली बिल दे रही है। हमने कहा है कि कांग्रेस की सरकार आई जी तो किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, हमने घोषणा किया है। और पानी की बात करें तो किसानों के खेत पानी से सूख रहे हैं और महानदी हसदों की पानी बैराज बनाकर पावर प्लांट को भेजा जा रहा है। क्या किसान बिजली खाएंगे? अनाज पैदा नहीं होगा तो इस क्षेत्र के किसान जिएंगे कैसे? 109 गांव का मेरा पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, जहां कोई यहां पर कोई औद्योगिक कल कारखाना नहीं है। यहां की आम जनता पूरी तरह किसानी के ऊपर निर्भर है। स्थानीय आपके विधानसभा के लिए आपके प्राथमिक वाले मुद्दे कौन से हैं? 2-3 ऐसे मुद्दे जो पामगढ़ विधानसभा के लोगों के लिए आपने सोच रखी हो, जब आप विधायक बने तो कम से कम इन 2-3 चीजों पर मुझको काम करना है। प्रमुख रूप से मेरे 2 ही मुद्दे हैं। क्षेत्र की जनता अगर मुझे चुनाव जिताती है तो किसानों के खेत में पानी पहुंचाऊंगा और नौजवान बेरोजगार के हाथ में रोजगार देने की अवसर तलाश करूंगा। एक आखिरी सवाल, ये बसपा का घर रहा हुआ है, बसपा यहाँ से हमेशा बढ़त में रही है, 1-2 बार किसी कारण से नहीं हो पाया, इस बार फिर महिला प्रत्याशी है, नया चेहरा है, तो मुकाबला किस स्तर का है? देखिए, बसपा की बात आप कर रहे हैं तो बसपा तो किसी दूसरे की गोद में जाके बैठ गई। इस बात को भली भांति प्रदेश की
जनता हमारे पामगढ़ क्षेत्र की जनता भलीभांति समझती है। बसपा को 4-4 85 इस क्षेत्र की जनता ने अवसर दिया है। बसपा के कार्यकाल को भी देख चुके हैं। अभी वर्तमान में बसपा बसपा नहीं, हाथी हाथी नहीं बैल बन चुकी है और हल को खींच रही है। इस परिस्थिति में उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। यहाँ पर कुछ और वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, आम जनता भी है जो जनसंपर्क कर रहे हैं। बर्मन जी गांव में तो गांव के ग्रामीण हैं, कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर्स भी हैं। हम आइए उनसे जानते हैं क्या बात है। हमारे बहुत सीनियर क्षेत्र के हैं महाराज, हम उनसे पूछना चाहते हैं क्या माहौल नजर आ रहा है, क्या स्थिति बन गई महाराज। जी मैं वो शुक्ला हूँ, बर्मन जी के साथ मैंने पूरे क्षेत्र का लगभग दौरा किया है। इतना अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, पूरा हुजूम उमड़ पड़ा है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि इस बार अब स्वस्फूर्त माहौल है कांग्रेस के पक्ष में। और सबसे खासियत यह है कि जो घोषणा हमारे माननीय राहुल जी ने की है और जो उन्हें छत्तीसगढ़ में आके पूरा सबके सब मन में पूरा बैठ गए हैं सबके, उनका ये कहना है कि इनने जो दगाबाजी की है कि 2 साल के इनने बोनस नहीं दिया। हमारा सबसे पहला कि किसानों का 2 साल का जो बोनस है हम हिसाब करके उनका बोनस देंगे। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो कह रहे हैं 2100 रुपये, इन्हें कह 2100 रुपये समर्थन मूल्य कहा वो भूल गए, 1750 में आ गए। लेकिन माननीय राहुल जी का कहना है कि हम समर्थन मूल्य 2500 करेंगे और जैसे ही हमारी सरकार बनी हम 2500 रुपये देंगे। सबसे बड़ा आकर्षण ये है। और चूंकि गोरेलाल वर्मन जी एक बहुत लोकप्रिय यहाँ के कलाकार भी रहे और सबसे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, बहुत अच्छा प्रदेश में भी और पामगढ़ में निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे, कांग्रेस के पक्ष में माहौल जाएगा। इनका कार्यकर्ता है, इनका कहना है कि गोरेलाल वर्मन जी गांव की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, एक आम आदमी हैं और एक इनकी ऐसी छवि है कि लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं। और अब वर्मन जी ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया है कि जो अभी वर्तमान में विधायक हैं उनकी निष्क्रियता रही है, भाजपा की वादा खिलाफी रही है, बसपा जो यहाँ मजबूत एक पार्टी मानी जाती है उसके संबंध में उन्होंने कहा है कि यह कमजोर है और हर आगे